फिर से वहाँ से यहाँ आ गया उस वाला घर से इस वाला घर से इसके बर्थडे पार्टी के लिए। अगर अच्छी बनती है तो मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे अपने छोटे मोटे फंक्शन में तो इस शक्ल को देख लो, इसको चाहे तो आप बुला सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये है मेरा सबसे छोटा वाला कजिन मंथन। तो इसके हाथों की बनी हुई पनीर भुर्जी, बढ़िया सी मतलब पनीर भुर्जी खाने के बाद हम तीनों निकल लिए इसी मंथन के एक दोस्त के वहाँ, क्योंकि रात का कुछ स्पेशल प्लान बन चुका था ऑलरेडी। और वहाँ पे कुछ माहौल ऐसा था, ये भाई साहब तो सो गए थे और फिर मैं वीडियो बना रहा था तो अचानक से जाग गया। ये अपनी चैटिंग सेटिंग में थोड़ा सा बिजी था और इसी की तरह बिजी था इसका ये दोस्त विवेक और बाकी ये केतन और धार्मिक, इन दोनों की खिंचाई करने में बिजी थे। दरअसल इसकी वजह ये थी कि हम सब इंतज़ार कर रहे थे रात के 12 बजने का, और 12 बजते ही मोमबत्तियाँ जलाई जा रही थी क्योंकि हम सब में से किसी एक का था हैप्पी वाला बर्थडे, तो इसी का ये सारा प्लानिंग चल रहा था और काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे 12 बजने का। तो अब आप समझ चुके होंगे कि किसका है हैप्पी वाला बर्थडे। जी हाँ, ये मेरे सबसे छोटे वाले कजिन मंथन का था जन्म दिवस, तो बस उसी का ये सरप्राइज प्लानिंग था, बट उसको पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। Happy birthday with you. तो इन सब के बीच बड़े भाई होने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको सबसे पहले केक खाने को मिल जाता है और थोड़ी बहुत खिंचाई करने का भी मौका मिल जाता है। और बस फिर यही चलता रहा, एक दूसरे के मुंह पे केक वेक लगाना और खाना। हालांकि ज़्यादा हमने बर्बाद नहीं की थी और खाना ज़्यादा बर्बाद ऐसे करना भी नहीं चाहिए, और ये सारे लगे थे फोटोग्राफी सेशन करने में, बढ़िया सा यादें बटोरने में, और मैं भी तो कर रहा था ये बढ़िया से वीलॉग के लिए और कुछ डेफिनेटली बढ़िया सी यादों के लिए। तो ये दिन था नेक्स्ट डे मॉर्निंग, बस रात को बढ़िया सी पार्टी वार्टी करके मतलब केक वेक खा के वापिस आ गए थे घर और फिर सो गए थे। और सुबह मैं और ये मेरा छोटा वाला कजिन निकल लिए बाजार में कुछ चीज़ें लाने के लिए, और बस उसी मौके पे उसने भी मुझे थोड़ा बहुत महुआ की मेन मार्केट घुमा दी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है लकड़ियों का सामान खरीदने के लिए। दरअसल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लकड़े का चीज़ें मतलब जो मिलती है, वैसे भी शहरों में तो कम हो गई है, ज़्यादातर शहरों में सब मेटल की चीज़ें यूज करते हैं फर्नीचर वगैरह, बट अभी भी गाँव में तो वो लकड़ी की चीज़ें बनी हुई हैं वही इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे मोटे आजू बाजू गाँव और शहरों से लोग मतलब आते हैं खरीदी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, अपने वहाँ कुछ बढ़िया से माहौल बनाने के लिए मतलब करके डेकोरेशन के लिए, या फिर कोई ऐसा इवेंट हो उसके लिए, फंक्शन वगैरह के लिए, फैमिली फंक्शन के लिए, शादी ब्याह का मामला हो, डावरी वावरी के लिए। सो महुआ के मार्केट में घूम रहा हूँ, आज इसका बर्थडे है, बर्थडे बॉय, तो दोपहर को आज इसके घर खाना है।
लेने आया था तो अभी मार्केट आया समोसा लेने के लिए। वैसे भी मुझे खतरों से खेलने की आदत तो घूम रहे हैं, हालांकि इतनी कुछ खास भीड़ भाड़ है नहीं, बट फिर भी घूमने तो आफ्टर ऑल आया हूँ। तो है कुछ ऐसे महुआ का मार्केट, तो अभी फिर से वहाँ से यहाँ आ गया उस वाला घर से इस वाला घर इसके बर्थडे पार्टी के लिए। तो खाना वाना खा रहे हैं, दिखा दो आपको थोड़ा सा क्या सीन है। खाना वाना खा रहे हैं, अभी इसकी बर्थडे पार्टी चल रही है घर पे करने वाली, बाहर वाली तो अभी देखते हैं। बहुत बारिश है अभी, शाम को बारिश भी है, कोरोना भी है, तो अभी देखते हैं बाहर का। तो और ये सब वही इसके फ्रेंड जो कल रात के थे वही आज यहाँ आए हुए है। तो चल रहा है आम रस, आलू वालू मिक्स सब्जी, समोसे, पूड़ी। और ये चुटकू मैडम मेरे मामी की सबसे फेवरेट लाडली है, तो इसके साथ खेलने में वहाँ काफ़ी मज़ा आता है, बहुत प्यारी सी क्यूट सी है। तो बैठ गई थी गोद में, काफ़ी देर खेली, मज़ा आया। और मतलब काफ़ी सारी देर, मतलब काफ़ी दिन रुका हूँ तो खेला ही हूँ, बट वीडियो एक ही बनाया है। तो दरअसल असली सरप्राइज पार्टी तो वहीं अगले दिन दोपहर को हुई, जब फिर से वहीं यहाँ मंथन के दोस्त के वहाँ हम पहुँचे। एक सरप्राइज केक भेजा था उसके लिए, और काफ़ी सारी चॉकलेट्स, बलून वगैरह, काफ़ी कुछ। तो रात वाले तो ठीक है, उसको पता ही था क्या होने वाला है वो पार्टी, बट इसका उसे पता नहीं था। ये डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था उसके लिए, तो इसको भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया सबने मिलके दोपहर के वक्त, मैं और उसके ये सारे दोस्त जो कि अभी भी वीडियो बनाने में लगे हुए हैं और मेमोरी बटोर रहे हैं, और डेफिनेटली मैंने भी बटोरी व्लॉगिंग के लिए डेफिनेटली, और आप सब के लिए भी, क्योंकि आप सबका इतना सारा प्यार मिल रहा है तो इतना तो मेरा फर्ज डेफिनेटली बनता है। मैं महुआ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल आया हूँ इसके लिए। अब आपको समझ आएगा मैं मतलब रियल मीनिंग में खतरों का खिलाड़ी अभी बना हुआ हूँ। ये वाला कजिन ब्रदर जो है ये यहाँ महुआ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेबोरेटरी में काम करता है, जो जहाँ वो मतलब रिपोर्ट वगैरह होता है, तो कोरोना के रिपोर्ट भी यहाँ पे यही करता है। और अभी 3-4 दिन पहले इसने एक बंदे का लिया था, उसका पॉजिटिव आया है परसों ही, तो इसकी भी फटी पड़ी है, बट फिर भी इसके साथ हम लोग यहाँ घूम रहे हैं। ये शायद दिख रहा होगा, ये पूरा महुआ का हॉस्पिटल है, एक एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है। तो कुछ ज़्यादा ही खतरों से खेल रहे हैं, बट सेफ्टी के साथ, तो सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए। बट अब ब्लॉगिंग करना है थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, तो आप भी थोड़ा अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक वाइक करके, शेयर वेयर करके, थोड़ा और सब्सक्राइब करके। तो चलिए कहीं घूमने जा रहे हैं अभी। तो बस मेरे ये कजिन निक यानी कि निकुंज को वहाँ अस्पताल से पिकअप करने के बाद मैं, मंथन और निक
तीनों निकल लिए। मोवा के काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर और बीच को एक्सप्लोर करने के लिए। जी हाँ, हम जा रहे हैं भवानी मंदिर, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है पूरे गुजरात में, मोवा सिटी से। और देख सकते हैं रास्ते कुछ जैसे, काफ़ी सालों से रास्तों की यही हालत है, काफ़ी टूटे फूटे और बेकार से है, और काफ़ी सकरे से है, छोटे से है। मतलब बाइक में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बराबर अगर आप कार लेके जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है, स्पेशली अगर सामने से कोई बड़ा व्हीकल आ जाए तो मतलब हम तो बाइक लेके ही जाते हैं तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। और इसके अलावा मतलब रास्ता भी मतलब सीधा ही गूगल मैप की मदद से भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बीच बीच में सड़कों पे बोर्ड भी लगे हुए हैं, होर्डिंग्स कि यहाँ से मुड़े वगैरह कर करके ऐसे, तो उसको फॉलो करते जाएंगे तो भी आप आसानी से पहुँच सकते हैं। और फिर जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ का माहौल कुछ ऐसा था, वैसे तो पहले मंदिर बंद ही था बट अब फाइनली कुछ टाइम पहले ही खुला है, और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से यहाँ पे ये कुछ खड़े रहने के लिए ऐसा सेटअप बनाया हुआ है, तो दिक्कत नहीं थी, इतनी सेफ था घूमना। और वहाँ पे ये सैनिटाइजिंग टनल भी बनाई हुई है, तो ये मेरा मतलब पहला एक्सपीरियंस रहा सैनिटाइजिंग टनल का। और मंदिर के अंदर वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। और फिर चलते हैं एक बढ़िया से नज़ारे की ओर, जो कि उस वक्त वाकई काफ़ी लाजवाब था और मेस्मराइजिंग भी। वैसे इस जगह का एक मैंने बढ़िया सा वीडियो ऑलरेडी अपने कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर किया हुआ है, आई होप सो आप लोगों ने देखा होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा वो वहाँ जाके देख लीजिएगा। मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज दोनों की लिंक हमेशा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, वैसे अब ट्विटर पे भी मैंने डाल दिया है तो उस पे भी आप जाके देख सकते हैं, और वहाँ पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले नए नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और ये भी पता चलता रहे कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ, ताकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाए कि अगला व्लॉग कहाँ से और किस चीज़ के बारे में आने वाला है। हम तीनों आए हैं यहाँ पे घूमने भवानी मंदिर, तो वहाँ पे अंदर तो शूट अलाउ नहीं है इसलिए अंदर कुछ शूट नहीं किया, बाहर से थोड़ा सा वीडियो लिया था। और यहाँ समुंदर किनारे पे है और ऐसे चुपचाप आए किसी को बताए बिना, इसके फ्रेंड भी थे साथ में, आज इसका बर्थडे है जैसे आपने ऑलरेडी देखा है वीडियो वगैरह सब, तो फिर वो सब निपटा के अब आए आफ्टर ऑल। मतलब अभी शाम को बारिश रुकी, दोपहर को भी आ रही थी तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, वरना काफ़ी कुछ घूमना था, काफ़ी कुछ करना था, और थोड़ा बहुत कोरोना भी है तो ये भी प्रॉब्लम है। बट अच्छी जगह है महुआ, ये अपने बीच के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और ये मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, तो थोड़ा बहुत घुमाता हूँ और आपको। और हाँ, अगर वीडियोस मेरी सारी पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दूसरे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव वगैरह जो रिश्तेदार हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे थोड़े और सब्सक्राइबर बढ़ जाए, थोड़ी और मेरी हेल्प हो जाए, और थोड़ा बहुत और फेमस हो जाऊँ तो थोड़ी और भी ज़्यादा दुनिया हम घूमेंगे। तो चलिए फिर थोड़ा और घूमते हैं। तो अब हम जा रहे हैं वापस शाम होने को भाई, और ये डबल प्रोटेक्शन है, ऐसे ही नहीं घूम रहा, तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है वरना फिर सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है बट अभी ऑलमोस्ट सन्नाटा है, सुमसाम है, जानते हैं आप लोग क्यों। तो बस यही कुछ था, जुड़े रहिएगा, वीडियोस को देखते रहिएगा, अपना प्यार यूं ही देते रहिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे आगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अडियोस।